हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं अलग तरीके से गाजर का हलवा बना रही हूँ। और मैंने 2 किलो गाजर ले ली है और पहले मैं इसको छील लेती हूँ और छीलने के बाद मैं काटूँगी, क्योंकि कद्दूकस नहीं करूँगी। और मैं काट के बना रही हूँ। आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। तो ये देखिए, मैंने सारी गाजर को काट लिया है। मैं जा रही हूँ इसे। तो मैं 500 ग्राम पनीर ले लिया है, 100 ग्राम काजू है और 50 ग्राम लच्छे वाली गरी है। और यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई थी तो उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया है और उसमें काजू अब फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा ब्राउन हो गए हैं काजू तो मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं पूरे काजू नहीं फ्राई किया है और थोड़े से काजू फ्राई किया है और मैं थोड़े से अलग रख लिया है मैंने। और इसमें मैंने 1 चम्मच और घी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गाजर। और ये देखिए, ये इसमें गाजर में थोड़ा सा घी ज़्यादा डालो तो अच्छा रहता है और अच्छा भी बनता है। तो इस तरह से अब सभी गाजर को मैंने डाल दिया है और अब मैं घी में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देती हूँ। और ये देखिए, अब इसको मैं इसी तरह थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ और थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाऊँगी। और अभी मैं इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ गाजर इसमें है और ये अभी थोड़ा सा पकेगी। और यहाँ पर जो पनीर थी 500 ग्राम, वो पनीर को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। और ये मैं पनीर को कद्दूकस करके डालूँगी। और ये देखिए कितने अच्छे से कद्दूकस हो गई है पनीर। और यहाँ पर जो मैंने काजू बचा के रखे थे, ये गर्म पानी में इनको भिगो के रख दिए थे। तो ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। तो अब इनको पीस लेती हूँ जार में डाल के। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है तो मैं पीस लेती हूँ अच्छे से और इसका मिल्क तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए, काजू मिल्क बन के रेडी हो गया है। और मैं एक बाउल में इसको निकाल लेती हूँ और एक भगोने में छान लेती हूँ। और आज मैं दूध और मावा नहीं डाला है हलवे में। और मैं ये जो काजू से मिल्क बनाया है मैं ये डालूंगी और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, जो मैं छन्नी में निकला है वो मैंने फेंका नहीं है, उसको मैं बाद में डाल देती हूँ हलवे में। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है और यहाँ पर दूध बन के रेडी हो गया है, ये देखिए। तो अब यहाँ पर गाजर भी पक गई थी तो इसको मैं देख लेती हूँ। तो ये देखिए, सॉफ्ट हो गई हैं गाजर, लगभग 50% गाजर पक गई हैं। तो मैं इसमें मिला देती हूँ ये काजू मिल्क। तो यहाँ पर ये लगभग 1.5 गिलास के करीब बनाया है मैंने काजू मिल्क। और यहाँ पर गाजर में ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिला देती हूँ। और 1 कटोरी मैंने चीनी डाल दी है, चीनी तो और चीनी को भी ऐड कर देती हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे से चीनी भी घुल जाए। तो अब इसको थोड़ी देर ढक के और पकाऊँगी और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाती रहूँगी। और ये देखिए, गाजर पक गई है तो इसको अच्छे से मैं चला देती हूँ। और इसको भी मैं अभी इसको मैशर से मैश कर देती हूँ, ताकि सभी गाजर और ये काजू मिल्क जो है एक मिक्स हो जाए। और अच्छे से देखिए, सारी गाजर फूट गई हैं और अच्छे से मैंने मैशर से मैश कर दिया है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो काट के भी बना सकते हैं और इसी तरह मैश कर दीजिए और अच्छे से हलवा बन के तैयार हो जाता है। और कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, कद्दूकस करके बनाओ वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें जो मैंने पनीर कद्दूकस की थी अब वो पनीर ऐड कर देती हूँ। और ये पनीर वाला हलवा बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस तरह मैं सारी पनीर को ऐड कर देती हूँ इसी में और मिक्स कर देती हूँ। और ये मावे वाले हलवे से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पर जो मैंने ये लच्छे वाली गरी ली थी वो मैंने इसी में ऐड कर दी है। और ये जो काजू मैंने फ्राई किए थे, काजू मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए, गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है।
तो आप भी इस तरीके से हलवा बना के खाइए, और ये बहुत अच्छा हलवा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है इस तरह के। और मावे और दूध की ज़रूरत भी नहीं रहती है, सिर्फ दो चीज़ों से बनता है, काजू और पनीर से। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि यह हलवा कैसा बना है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और ये देखिए हलवा बन के तैयार है, और आप भी खाइए और बताइए कि हलवा कैसा बना है। तो इस तरह से आप भी बना के खाइए, और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।